हे माय बटरफ्लाई, कैसे हैं आप सब? गुड। मामा मामा मामा, ऐसा कोई साल नहीं जब मामा की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। मामा अवार्ड यानी एमनेट, जिसके यूट्यूब पर मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और मामा अवार्ड जिसमें लोग जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। रीज़न क्या है वो आपको आगे पता लग जाएगा। TXT के सुबीन जो अपनी जीत पर स्पीच दे रहे थे, उनकी स्पीच को आधे से ही कट कर दिया गया। यहाँ सुबीन ने अभी पूरा बोला भी नहीं और लाइट बंद हो गई और बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट हो गया। सीरियसली, एक आइडल अपने फैन को थैंक यू बोल रहा है और तुम वो भी नहीं बोलने दे रहे हो, ये एक इंसल्ट जैसा है। अगर आप दूसरे देशों के अवार्ड शो को देखेंगे तो उनको एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है स्पीच देने का। अवार्ड लेने के बाद इतने आराम आराम से स्टेज पर आते हैं, कितनी देर तक अवार्ड को देखते हैं, फिर फैंस को देखते हैं, फिर एक एक लाइन करके बोलेंगे। बाहर के किसी भी अवार्ड शो में आर्टिस्ट को बीच में नहीं टोकते, पर केपॉप में जैसे आइडल कुछ बोलता है, मामा पीछे से म्यूजिक स्टार्ट कर देता है, यानी कि टाइम ख़त्म, अब निकलो स्टेज से। डिस्पैच ने बताया कि 2020 के मामा में कई आइडल्स को अपने कार में ही अपनी परफॉर्मेंस का वेट करना पड़ा और वही कार में उनका मेकअप हुआ, जबकि कई दूसरे आइडल्स को एक प्रॉपर वेटिंग रूम दिया गया खाने पीने के साथ। मामा ने इल्ज़ाम का रिप्लाई देते हुए कहा कि COVID-19 यानी कोरोना की वजह से वो हर आर्टिस्ट को वेटिंग रूम नहीं दे सकते थे। मामा इतना पैसा कमाता है और ये आर्टिस्ट को परफॉर्मेंस के लिए पे भी नहीं करते हैं, और ये उनके लिए एक वेटिंग रूम नहीं बना सकते, कम से कम एक वेटिंग टेंट ही बना रहे थे। ये सारे आर्टिस्ट को कड़ाके की ठंड में बाहर अपनी बारी का वेट करना पड़ा, जबकि मामा की कुछ फेवरेट आइडल अंदर आराम से वेटिंग रूम में थे खाने पीने के साथ। नेक्स्ट, वोटिंग में गड़बड़ी जो हर साल होती है। 2017 में मामा ने अपने इंटरनेशनल ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। इसके बाद जब ये फिर से ऑन हुआ तो लाखों वोट डिलीट हो चुके थे और पोजीशन बिल्कुल बदल गई थी। वोटिंग सिस्टम बंद करने से पहले BTS 37% वोटिंग के साथ 1 पर था और बाद में EXO 41.5% वोट के साथ नंबर 1 पर आ गया। सेम बेस्ट डांस परफॉर्मेंस के लिए भी वोटिंग सिस्टम बंद करने से पहले BTS का DNA सॉन्ग नंबर 1 पर था, पर बाद में EXO नंबर 1 पर आ गया। पर हैरानी की बात यह है कि EXO को भी 2017 में अवार्ड नहीं मिले सिवाय एक के। पता नहीं मामा क्या करते रहता है। नेक्स्ट, मामा ब्लैक पिंक कॉन्ट्रोवर्सी। 2017 में बेस्ट फीमेल ग्रुप की नॉमिनेशन में ब्लैक पिंक के फेस पर रेड कलर था। हालांकि मामा का कहना है कि ये सिर्फ एक लाइटिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन अजीब बात है, सिर्फ ब्लैक पिंक के ही चेहरे पर क्यों, वो भी इतने परफेक्ट जगह पे। वैसे हमेशा से ही ऑडियंस हमेशा मामा के ख़राब कैमरा एंगल और क्वालिटी की शिकायत करते आए हैं, अब मुझे नहीं लगता ये लाइटिंग की वजह से है। 2017 में ही EXO जैसा ग्रुप 19 नॉमिनेशन होने के बाद भी सिर्फ एक अवार्ड जीत पाया। मामा ने EXO के फैंस के साथ मिसबिहेव किया, इसलिए 2017 के बाद से ही EXO ने मामा अवार्ड में जाना छोड़ दिया। 2016 में अमेरिकी सिंगर विच खलीफा और गर्ल जनरेशन की तयोन, इनकी CU अगेन में परफॉर्मेंस होनी थी, पर तयोन ने मना कर दिया। मामा ने परफॉर्मेंस शुरू होने से ठीक कुछ मिनट पहले विच खलीफा को और उसकी टीम को ये बताया। हालांकि विच ने फिर भी परफॉर्म किया, पर बाद में ट्वीट भी किए। ये कौन सा तरीका होता है परफॉर्म शुरू होने से ठीक पहले मिनट में ये बताना कि आपका पार्टनर परफॉर्म नहीं कर रहा है। वेल, BTS का तो मामा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि आर्मी उनकी क्या हालत करेगी। सोशल मीडिया में भले ही किसी के भी सब्सक्राइबर्स या फॉलोवर्स ज़्यादा हो, पर जब इस तरह की बात आती है तब BTS के सारे फैंस एक्टिव हो जाते हैं। वैसे भी मामा BTS को हमेशा अपने लिए यूज़ करते रहता है, मामा BTS से पंगा नहीं लेगा। लगभग 70% आर्टिस्ट मामा में जाते भी नहीं हैं, ज़्यादातर हमेशा नए लोग जाते हैं जिन्हें अभी और वायरल होने की ज़रूरत है, या फिर पूरे ग्रुप में से एक या दो लोग ही अवार्ड शो में चले जाते हैं। अब पहले की तरह पूरा पूरा ग्रुप नहीं जाता। मेरी नज़र में तो अब मामा अवार्ड जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए कहा जाए कि वाओ उस आर्टिस्ट ने मामा अवार्ड जीता है, क्योंकि मामा की रेपुटेशन बहुत नीचे चली गई है। ओके देन, फिर मिलते हैं, टेक केयर, सी यू अगेन।